नमस्कार, न्यूज व्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन, आज हम पहुंच चुके हैं बनारस के वीटी, जहां पे हमने लोगों से ये जानना चाहा कि हमारा अगला सांसद कौन होगा। लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार के व्यूज मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक रिपोर्ट पेश की है। नमस्कार, मैं अभिकर्ष दुबे न्यूज़ एंड व्यूज़ चैनल के साथ। आज आप जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इस टाइम चुनाव का माहौल चल रहा है। सब मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में हम लोग आज वीटी में बैठे हैं। यहाँ पे देखते हैं चुनाव के लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है। भैया आपका नाम? भैया से शिव पूजन पांडे। भैया आपका नाम? सुनील कुमार सिंह। भैया आपका नाम? मनोज सिंह। अखिलेश सिंह। भैया प्रेम झा। तो आप सबसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग के हिसाब से इस बार कौन सी पार्टी ऐसी होगी या कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जो कि नए प्रधानमंत्री के रूप में नया चेहरा बनेगा? देखिए, नया चेहरा तो इस समय कोई नहीं है, मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वही बनेंगे आपके हिसाब से? नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कोई खड़ा कर सके किसी और। जी, हमारा सांसद नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आपके सांसद, वही दोबारा सांसद भी बनेगा बनारस से आपके हिसाब से? आप बनेंगे मोदी जी? बना मोदी जी, मतलब आप लोग के हिसाब से मोदी जो ऐसे चेहरे हैं जो कि बनारस में दोबारा सांसद बनेंगे और अपना भारतीय जनता पार्टी में फिर से सत्ता में आएगी आप लोग के हिसाब से? ठीक है, तो आप लोग का इस बारे में क्या कहना है, गठबंधन की सरकार में आप लोग का क्या कहना है? अब मौका परस्ती है, मजबूरी है, मौका परस्ती है इन लोग की। मतलब मौका पड़े है इसलिए दोनों साथ में। और जब जरूरत नहीं होगी तो ये लोग कभी आपस में दिखते हैं आपको? थॉट्स मिलने ही नहीं है। जब जैसे दो लोगों के विचार नहीं मिलते तो शादी टूट जाती है, डाइवोर्स हो जाता है। गठबंधन का भी डाइवोर्स हो जाएगा एक दिन। अभी एक दिन अभी ये जुड़े हुए, मजबूरी है, जैसे ही भी कुछ ये रिजल्ट आ जा रहे हैं डाइवोर्स के लिए प्रिपेयर रही है। मतलब कुछ समय तक चलेगा, उसके बाद इनका भी डाइवोर्स हो जाएगा, बुआ और भतीजे का डाइवोर्स हो जाएगा। गठबंधन केवल मोदी जी के विजय रथ को रोकने के लिए बना हुआ है, लेकिन कहीं ऐसा सफल होता नहीं दिख रहा है। अच्छा, गठबंधन का सिर्फ एक उद्देश्य है अभी तक सबको समझ में आ रहा है? मोदी जी का विजय रथ को रोकना ही उद्देश्य है। 23 के बाद 24 को उनका ये गठबंधन टूटने वाला है। तो ये वैसे तो सारे जहाँ तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कार्यकर्ताओं या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कहना है कि गठबंधन सिर्फ हमने नहीं किया है, गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कई पार्टियों ने साथ में मिलकर गठबंधन किया, क्यों तो उनका गठबंधन तो टिका हुआ है तो इनका भी टिकेगा। ये विचारधारा का देखिए, उनका गठबंधन है, शिवसेना हो गई, अकाली दल हो गई, बीजेपी, इनके थॉट्स प्रोसेस लगभग सेम है। ये दो नॉर्थ और साउथ पोल का जुड़ जाना ये गठबंधन हो ही नहीं सकता। जब तक मजबूरी तब तक बंधे, जैसे ही फोर्स अलग होगा मोदी वाला, तुरंत ये सेपरेट हो जाएंगे, मोदी के सामने सब अलग हो जाएंगे। आप बताइए। मोदी जी बिल्कुल मोदी जी के, मतलब आप लोग के बात से ऐसा लग रहा है कि आप लोग मोदी के बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े सपोर्टर है। मैं मोदी आपने कहा तो नहीं। तो BHU के आप कैंपस में बैठे हुए हैं तो शायद BHU में डिग्री नहीं दे रही है कि ये अंधभक्ति है। शायद अगर BHU में अगर ये डिग्री दे दी जाए कि अंधभक्ति केवल मोदी के ही भक्त कर सकते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि उनके BHU से ऊपर हाई प्रोफाइल BHU से ज़्यादा मोदी की डिग्री मिलने लगेगी। भैया अब ये बताइए कि जैसे गठबंधन की सरकार है, तो आपके समय तक अगर मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार बनती है भारत में, और फिर वो आपके हिसाब से कितना सफल होगी? देखिए, सबसे पहली बड़ी दिक्कत तो उनको नेता चुनने में आएगी, क्योंकि चेहरा नहीं है। उस रेस में मायावती जी भी हैं, उस रेस में अखिलेश यादव जी ने कहा साफ साफ अपने बयान में, इंटरव्यू में कह दिया है कि मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता, मैं किंग मेकर हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनाता हूँ। देखिए, ऐसा उनका नाम कट गया कि जब 2012 में मुख्यमंत्री का लड़ाई हो रहा था तब भी उन्होंने ऐसा ही कहा था कि मैं किंग मेकर हूँ, किंग नहीं हूँ। लेकिन जब कुर्सी लेने की बात आई थी तो वो किंग बन गए थे, मेकर से हट गए थे। मतलब किंग मेकर बाद में पलटी मार के किंग बन जाता है। और जब सपा में लड़ाई चल रही थी तो भी वो किंग बन गए और चाचा जी को अपने लात मार करके बाहर निकाल दिया। जैसा कि हम लोग जान रहे, 5 साल UP में अखिलेश यादव की ही सरकार थी, तो उन्होंने बहुत सारे, यहाँ सपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि जनता को इस समय भाजपा की सरकार में नहीं दिख रहा है। आप इससे कितने तरह सहमत हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने काम किया है, लेकिन सिर्फ अपने ही क्षेत्रों में, जैसे आजमगढ़, मैनपुरी, इटावा, और किसी भी जिले में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। और किसी भी जिले में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। बिल्कुल, अगर काम किया होता तो जाना ना पड़ता।
ठीक है, अगर काम किया होता तो जाना ना पड़ता है। इसके अब जनता जो है अब वो अपना दामन और चोला जो है पहले जो पकड़ के चलती थी अब इतनी जागरूक हो गई है कि अगर विकास है तो ही वोट है, नहीं है तो कुछ नहीं है, नहीं तो वोट नहीं। आपको विगत जो नामांकन पत्र मोदी जी का दाखिल हुआ उस दिन आपको रोड पे वो भीड़ तंत्र दिख गया होगा कि हाँ बाकी लोग की हवा कैसी टाइट हो गई। कुछ सिपाहियों का तो ये भी कहना है कि 1 लाख की भीड़ को 10 लाख के दिखाया गया इसीलिए पतली गली में निकाले हैं। वो अखिलेश यादव के नामांकन पत्र में दिख चुकी है कि बाहर से भीड़, बाहर के बनारस, मुगलसराय, बलिया, गाजीपुर, पूर्वांचल, बाहर से भीड़ आ रही थी। मेरे ख्याल से 80% जो जनता थी वो बाहर के जिलों से थी, क्योंकि मेरा क्षेत्र लगता हुआ है आजमगढ़ बगल का, मैं उस दिन ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा वहाँ की स्थिति, कोई भीड़ कोई जुमावड़ा नहीं। आपका क्षेत्र आजमगढ़ है तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, भाजपा के प्रत्याशी समय आजमगढ़ से हैं निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनके बारे में क्या बोलेंगे? पहले से राजनीति का कोई अनुभव नहीं, कुछ नहीं, फिर भी अखिलेश यादव जी के सामने जो कि एक राजनीतिक दल से संबंधित है, राजनीतिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक राजनीतिक पार्टी से बचपन से ही उनकी राजनीतिक पार्टी रही हुई है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? कितने हद तक टिक पाएंगे उनके सामने? टिकने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव अभी तक आजमगढ़ की धरातल पर ये सोचते थे कि मैं एक तरफा वोटिंग के साथ मैं जीत रहा हूँ यहाँ से, लेकिन जब भाजपा ने वहाँ निरहुआ को उतार दिया तो आज की स्थिति ये बन गई है कि 30 तारीख को, इसी 30 तारीख को उनके पूरे परिवार के सदस्य आजमगढ़ में केवल उनके प्रचार के लिए धमकने वाले हैं। उनको ये डर हो गया है कि हाँ मैं शायद हार सकता हूँ, इस वजह से वो पूरे पूरे चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि कांटे की टक्कर है आजमगढ़ की सीट के लिए, कोई एक तरफा मुकाबला अखिलेश के पक्ष में नहीं दिख रहा है। कर देंगे कूल। आपका क्या कहना है? सर उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, बनारस के बारे में जानता हूँ। आपके हिसाब से देखिए निरहुआ नए जरूर है लेकिन ये पूरी लड़ाई वंशवाद के खिलाफ है। अखिलेश यादव जो एक वंशवाद के प्रतीक हैं उनके खिलाफ दिनेश लाल यादव भाजपा के टिकट पर सत्ता सांसद बनने के लिए। ये निरहुआ का ये भी कहना था कि हमसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मेरा बहुत खास संबंध है, फिर भी उनके सामने वो चुनाव में लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के सामने पिछली बार भी निरहुआ को उतारने के लिए चर्चा हुई थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, तो संबंध है इसीलिए लास्ट टाइम वो नहीं उतरे थे। अब इस बार भाई अखिलेश जी हैं तो अखिलेश जी के सामने, युवा के सामने युवा जोश तो आएगा ही। मतलब गठबंधन की सरकार नहीं बन सकती बनारस में? पॉसिबल ही नहीं है भारत में, पॉसिबल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, उनका कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है उनका। कांग्रेस के बारे में बात करना मतलब टाइम वेस्ट करना है। पॉजिटिव कोई बात हो तो समझ में आए, जब लीडरशिप में ही क्वालिटी नहीं है सर, आप इतनी गलती पे गलती करते चले जा रहे हो, आप क्या? अच्छा कांग्रेस, कांग्रेस ने क्या गलती की है सर? आपका लीडर जैसा है ना, जैसे चावल का थोड़ा सा दाना देख करके पूरी बोरी के बारे में पता लग जाता है। आप अपने टॉप के लीडर को आप चेक कर लीजिए, उससे अच्छा तो माधवराव सिंधिया को बना दिए होते, वो क्या नाम है उसका, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना दिए होते, वो बेटर, वो सुरजेवाला है और भी तब, लेकिन आप सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ये कांग्रेस के चेहरे, कांग्रेस के चेहरे अच्छे चेहरे हैं। लेकिन जैसे जैसा सब जानते हैं अजय राय जी भी 5 बार के लगातार विधायक रह चुके हैं, भाजपा से भी थे, समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी से भी थे और निर्दलीय भी थे, निर्दलीय थे, भाजपा से थे और किसी पार्टी से नहीं रहे, वो लड़े हैं लेकिन जीते, लड़े हैं बहुजन समाजवादी पार्टी लेकिन जीते नहीं थे। हाँ जी, तो अब जब 5 बार के विधायक रह चुके हैं तो कुछ तो उनके अंदर खासियत होगी, कुछ तो टक्कर देंगे मोदी को। टिकट था, भाजपा का चेहरा थे, उग्र राष्ट्रवाद था उस टाइम उनके अंदर, अब बहुत लचीलापन आ गया है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि भाजपा की देन थी कि निकल ली है? नहीं नहीं, देखिए एक समय था जब अजय राय जी कहते थे कि हमारे गौ गंगा को कोई अपवित्र करने की कोशिश करेगा तो हम उसका हाथ काट देंगे, और आज उन्हीं हाथ, जिनका हाथ काटना था आज उन्हीं की गोदी में बैठ करके खेल रहे हैं। तो फिर जनता चरित्र देख चुकी है अजय राय का, जो बनारस की लोकल जनता है वो चरित्र जान चुकी है कि भाई आप क्या कहते थे अब क्या कर रहे हैं। आज हमारे साथ बनारस के युवा हैं कि उनकी चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है, वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार की चुनाव सरकार आनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, आइए इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ऋषभ पांडे है, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यालय से महामंत्री प्रत्याशी हूँ। पहली बात तो सरकार से हमें यही चाहिए कि हमारे जितने विद्यार्थी हैं, देश के सारे विद्यार्थी जितने भी छात्र हैं उनके लिए रोजगार लाएं और हमारे विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए और छात्रों की उन्नति के लिए रोजगार जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर रोजगार आएगा, छात्र आगे बढ़ेंगे, विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे तभी देश का विकास हो सकेगा। आपका नाम? मेरा नाम गणेश राय है, मैं आगामी छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ।
आप क्या चाहते हैं, कैसी सरकार आनी चाहिए? हम ऐसी सरकार आना चाहते हैं कि जो युवाओं को रोजगार दे और अच्छी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाए। क्या लगता है आपको, बीजेपी सरकार ने रोजगार दिया? नहीं, बीजेपी सरकार ने 5 सालों में बस रोजगार छीनने का काम किया है और लगभग 3 से 4 करोड़ लगभग रोजगार युवाओं को छीनी है बीजेपी सरकार। किस प्रकार की सरकार आनी चाहिए? ऐसी सरकार आनी चाहिए जो स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा को लेकर आगे रहे। क्या आप बीजेपी सरकार से संतुष्ट हैं? बीजेपी सरकार से संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2 करोड़ हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, और वो 2000 में भी तब्दील नहीं कर पाई। तो इससे संतुष्टि तो हम युवाओं को नहीं है, हम छात्रों को रोजगार चाहिए। और हमारे जो भी साथी हैं, मार्गदर्शक हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन लोगों को स्वास्थ्य। बीजेपी सरकार कहती है कि उन्होंने बनारस के रोड पे बहुत काम किया, बनारस के घाटों को बहुत सुधारा संवारा है, ऐसा तो घाटों और तो रोड से क्या मानते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है? आप तो यहाँ के निवासी हैं ना? हाँ, यहाँ के हम निवासी ज़रूर हैं, लेकिन घाट और रोड को सही करने से हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं सही हो पाती। आप इस पर क्या मानना है? हमारा मानना ये है कि किसी रोड और घाट से या फिर किसी पानी टंकी को पेंट करने से हमारे रोजगार नहीं मिल जाएगा। हमें छात्र हैं, छात्र नेताओं को, छात्रों को रोजगार चाहिए, विद्यार्थियों को रोजगार चाहिए, रोजगार जरूरी है। और आप ये मानते हैं कि बनारस के घाट पहले से बेहतर हुए हैं, रोड पहले से बेहतर हुए हैं बीजेपी सरकार में? हमें तो नहीं लगता।